सर मूवी देखी आपने? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले देख के आए हैं और क्या ही शानदार पिक्चर है, एक नंबर की फुल पैसा वसूल फिल्म। और अक्षय कुमार की अभी रिसेंट की जो फिल्में फ्लॉप हुई है ना, तो ये इस फिल्म को देखने के बाद मेरा ऐसा दावा है 200% का कि इस फिल्म से अक्षय कुमार का टोटली कमबैक हो चुका है भाई। बहुत ही शानदार पिक्चर, एक नंबर किया। हाँ वो अलग बात है कि इस फिल्म में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो पंकज त्रिपाठी का है, वो अलग बात है। बाकी इस फिल्म से हम ये कह सकते हैं कि अक्षय कुमार का एक अच्छा खासा कमबैक हो चुका है सर। पिक्चर में आपको क्या खास लगा सर? पिक्चर में सर इसमें मेन मेरे को इस फिल्म का टॉपिक अच्छा लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर वो मतलब बेटा उनका परेशान रहता है पंकज त्रिपाठी का, और ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, डिटेल्स में शॉर्ट बताता हूँ। फिर उसका बेटा आत्महत्या कर लेता है, मतलब वो ट्रेन के सामने आ जाता है ऐसा कुछ। अब ज़्यादा डिटेल में दे दूंगा तो आप कहोगे कि मजा किरकिरा कर दिया जब मूवी देखने जाओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन यह कहूँगा कि जब वो अपनी परेशानियों से आहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पंकज त्रिपाठी, तब वो अपने भगवान को कहते हैं, याद करते हैं महादेव को कि हे महादेव अब आप ही आओ मेरे कष्टों को हरण करने। तो तब हमारे मतलब महादेव स्वयं आते हैं अक्षय कुमार के तौर मतलब आते हैं। म्यूजिक बैकग्राउंड सर आपको कैसे? म्यूजिक बैकग्राउंड तो भाई टोटली एक नंबर यार, क्या ही शानदार है। वो जो गाना मूवी के अंदर है ना, तो वो गाना जब थिएटर में बजा ना, हालांकि देखिए मूवी के अंदर सुनेंगे तो आप एनर्जेटिक लगेंगे, और जिस हिसाब से वो बग्घी से मतलब ऊंचा मतलब कूदते हैं अक्षय कुमार महादेव के रोल में, भाई यार कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मेरे बताते हैं टाइम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एक नंबर यार। तो बहुत शानदार पंकज त्रिपाठी के लिए यार दिल से सैल्यूट बनता है, बंदे ने जिस हिसाब से फिल्म में एक्टिंग की है ना उसके लिए यार जितने मतलब बहुत ही यूनिक लगा यार। इस फिल्म को कितने स्टार देंगे सर? मैं इसमें दूंगा सर 5 में से 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।